काशी अभी ये लोग मुझे बोलेंगे तुमने हमारा रूम दिखा दिया पहले से, सही है, डांट हेलो कर दो। एजी अजान की तो मौजा लगी हुई है भैया, बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार है जो कि हम खा चुके हैं। मीठे मीठा भी बहुत अच्छा है, वैरायटी बहुत सारी है। सो अजान ये रहे। फिश खाने के लिए और हमारी मंजली बहन को बहुत फिश खाने का दिल था तो हम दोनों उसके लिए जा रहे हैं। बकवास नहीं करो, हमारा भी बड़ा दिल है तो हमने कहा ग्रिल फिश खाएंगे। यहाँ इन दोनों की लड़ाई हो रही है, ये लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे को मार रही है और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हमारे यहाँ कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन हम आपको अपनी लड़ाइयाँ नहीं दिखाते, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही दिखाते हैं, वरना आप लोग हमें छोड़ छाड़ के भाग जाओगे, बोलोगे तो कुत्ते की तरह लड़ती हैं। बाय द वे, सो हम लोग फिश खाने के लिए जा रहे हैं, लेट्स गो। तो जाते जाते हम लोग जो है ना वो बस जाएँ ना जाएँ, जाएँ ना जाएँ यही चल रहा था। उसके बाद फिर हमने फैसला किया कि नहीं हम लोग चलते हैं एंड माशाल्लाह से, और सो गाइज पता है क्या सीन है यार, जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना अभी मतलब मेरे को नज़ला खांसी जुकाम हो रहा है, मेरे फेस से लग ही रहा होगा आप लोगों को, काफ़ी ज़्यादा मेरा फेस अपसेट हुआ हुआ है मेरी तरह। तो बस आई होप जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो जाए इंशाल्लाहुल अज़ीम। और ये तो यार सबको ही चल रहा है, सुना है सबको ही सर में दर्द हो रहा है, सबको ही नज़ला खांसी जुकाम हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर, सो आई थिंक दैट्स फाइन, इट हैपन्स। सो लेट्स गो, वहीं पर ही चलते हैं, मिलते हैं। आप लोग भी बोलोगे क्या बार बार उधर ही जाते रहते हैं, यहाँ जहाँ अच्छी चीज़ होगी इंसान वहीं जाएगा बार बार, तो फिर से राशिद की तरफ जाने का इरादा है। आज टोटल ग्रिल मंगवाएंगे, लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, सो हम लोग हमेशा की तरह राशिद सी फूड पर पहुँच गए बिकॉज यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली इन्वायरमेंट होता है, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज आई हुई होती हैं एंड बहुत ही अच्छी और टेस्टी फिश है एंड येस। और हमको क्या चाहिए, बस यहाँ पर काशिफ ऑर्डर दे रहे हैं। सबसे पहले आपको आना होता है, नीचे ही आपको ऑर्डर देना होता है, टोकन ले लेना होता है और ऊपर जाके रिलैक्स होके आपने सो जाना होता है क्योंकि 2-3 घंटे लग जाते हैं। एंड लुक एट दैट बॉयज, ओ माई गॉड, मतलब ये कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया लेकिन बहुत ही खूबसूरत लड़के थे, मतलब बहुत ही प्यारे लड़के थे, हम क्या ही बोल सकते हैं। ये रहे हमारे हस्बैंड, ये भी बहुत प्यारे थे और वो भी बहुत प्यारे थे, अच्छी चीज़ की देखो तारीफ़ करनी चाहिए, सीधी सी बात है। और यहाँ देख सकते हैं वैरायटी ही वैरायटी है, लड़कों की भी और मछलियों की भी। ओ माय गॉड, आई एम सो 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 डम नॉटी गर्ल, इट्स ओके यार, जस्ट फॉर फन। अरसलना फिर एक बार हम लोग फिश खाने, ओ माय गॉड कितनी प्यारी आ रही हो यार, एक बार फिर फिश खाने आए क्या, कोई और काम नहीं है? दो ग्रिल और एक फ्राई कर रहे हैं, अम्मी कह रही थी ना ताकि एंड बस इसके बाद यहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया एंड बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे कि यहाँ पर सूप होते हैं डिफरेंट डिफरेंट केकड़े शेकड़े के, और लोग पीते भी हैं भाई, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आके केकड़े शेकड़े पी रहे होते हैं, हम ही जाहिल हैं जो ना प्रॉन्स खाते हैं ना गोश्त खाते हैं ना कुछ खाते हैं। मछली भी हमारे शौहर ने खिला दी तो खिला दी, वरना तो हम कभी मछली भी नहीं खाते थे भैया, क्या करें गरीब ऊपर से बदतमीज। के बाद यार सलना बोल रही है देखो यहाँ पे कॉफ़ी भी है, मैंने कहा खुद ही पी लेना यहाँ पे कॉफ़ी, स्मेल से मुझे कुछ होता है भैया, मैंने कहा सिर्फ फ़िश सही है। सो गाइस दोबारा से एक बार फिर हम आ गए हैं फ़िश खाने के लिए, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ही बता दिया था कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है फ़िश, तो हम लोग यहाँ पर आते जाते रहेंगे एंड बस थोड़ा सा बैड सीन ये होता है कि यार वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है एंड फैमिलीज आई हुई हैं काफ़ी सारी और इन्जॉय कर रहे हैं, पूरी पूरी फैमिलीज आ रही हैं यहाँ पर फ़िश खाने के लिए। ओ माई गॉड एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल कपल माशाल्लाह, एंड यस फिश का वेट कर रहे हैं हम। जरीनो हजरात अरसलना और मैंने तो थोड़ी थोड़ी खा ली, लेकिन यहाँ मेरे शोहर और मेरी बहन मंजली बहन, मंजली बहन हो तो मंजली ही बोलेंगे ना, और क्या कंजली बहन बोलेंगे। तो मंजली और कंजली और मेरे प्यारे से शोहर टिड्डू,
के मेरे टिड्डू के डैडी तो माशाल्लाह भरपूर किस्म से खा रहे हैं, अल्लाह इनको और नेक हिदायत दे माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, अमीन सुमा अमीन। और यहाँ पर हम दोनों ना हम बहुत कम खाते हैं, मैं और अरसला ना बहुत कम खाते हैं, हमारी खुराक है ही नहीं इतनी ना। डेढ़ घंटे से एक जो है ना ये अपनी रील एडिट कर रही है और अब फाइनली हो गई है। आप लोग जाओ जाके इंस्टा पे फॉलो करो अरसला सेड ऑफिशियल और अच्छी अच्छी रील्स देखो। यार मैं इतना ट्राई कर रही हूँ कि मैं प्रॉपर डेली ब्लॉगिंग करूँ, कुछ अच्छा कॉन्टेंट बनाऊँ, लेकिन यार सर्दियाँ जब से आई हैं आप लोग के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताना, दिल नहीं कर रहा। दिल कर रहा है खाओ पियो बिस्तर में, खाओ पियो बिस्तर में बस, तो वो वाला सीन हो रहा है। एंड यस सो अल्हम्दुलिल्लाह खा पी लिया है हमने और अब बस। एंड यहाँ पर हमने खा शा लिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी भाई, बहुत ही मज़ा आया। वो फल्ला इनकी जो चटनी होती है ना बहुत टेस्टी होती है, मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है सुन के ही। आप लोग को आई डोंट नो देख के ऐसा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, पर इट्स गुड यार। मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग को भी फ़िश खाया करो, फ़िश बहुत अच्छी और हेल्दी होती है, यू नो स्किन के लिए, हेयर के लिए, खूबसूरती के लिए, इट्स गुड। सलना को इतना कॉन्शियस हो जाती है, मैं इसे तेरे मेरे करके बात करती हूँ ना, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई लैंग्वेज, समझ रही हूँ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. Guys, हमने खा ली राशिद की फिश, इतना मजा आया फिश खा के, तो फिशी फिशी हो गए हैं। काशी अच्छे लगे तुमको? अरे अल्लाह क्या आग लगी हुई है यार, हट हट हट, रिश्तेदारों वाली आग। अबे यार कैसी भड़क रही है यार आग, ओए होए होए होए, ये हमारे रिश्तेदार, ओए होए, भड़कते रहते हैं यार। देखो कैसी तेज़ आग लगी हुई है, अल्लाह की कसम, ये वो आग है नहीं जो पूरे ख़ानदान को लगती है, देख रहे हो? अल्लाह की, देखो यार, देखो, इसमें सब जल रहे हैं, सब जल के भस्म हो जाएंगे यार। मतलब ज़बरदस्त आँग देखी है मैंने, एक बाकू में देखी थी और वैसी आँग देखने को मिली नहीं रही थी, क्योंकि ठंड आ गई थी, सर्दियाँ थी। क्या आँग यार, माशाल्लाह वल्ला हबीबी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आँग को देख के, जो आँग लगती है ना, ओए होए माशाल्लाह। 24 hours later. Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो सबसे पहले तो मैं आपको अपना आउटफिट दिखा दूँ, आप लोगों ने देखा हुआ होगा सुमैरा तारिक का मैंने ड्रेस पहना हुआ है। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, आई डोंट नो वाई, आई जस्ट लव इट बिकॉज दिस इज ब्लैक ड्रेस और मुझे काले जोड़े बहुत पसंद है, ठीक है जी। सो हमने भाई ये ड्रेस पहन लिया है और उसके साथ हम अपना क्लच भी उठा लेते हैं। हम जा रहे हैं आज एक बर्थडे इवेंट में, जो कि मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके ब्रदर के बच्चों का है, एंड हमारे साथ अजहान भी मौजूद है माशाल्लाह से। सो बस अभी हम तैयार श्यार हुए थे, मैं अपना क्लच पैक करने के लिए आई थी लेकिन मेरा क्लच यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो बस हम लोग जा रहे हैं और आप लोग हमारे साथ रहें, लेट्स गो। बहुत ज़्यादा मैं तैयार नहीं हुई हूँ लेकिन अच्छी खासी खैर तैयार हुई हुई हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इसलिए तैयार नहीं हूँ, बर्थडे इवेंट है तो मैंने कहा थोड़ा सा लाइट रखते हैं, तो हमने सिर्फ ये जो है वो इयररिंग्स ले लिए हैं, बाकी ड्रेस हो गया है, नेल पॉलिश लगा ली है, काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब है, लेकिन आई हैव टू लुक फ्रेश बिकॉज इट्स यू नो जाना ही था हमको ना, तो वो वाला सीन है। और बाकी मैं आपको फुल ड्रेस दिखाती हूँ इस मिरर में, अगर आप लोगों को वाओ यार क्या पिक्चर्स आ रही हैं। गाइज यहाँ पे एक बच्चे की आमीन और एक बच्चे की बर्थडे थी, खाना आना जाना, भाभी नुमान भाई एंड उनके वाइफ ऑफ कोर्स, बहुत 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 रिस्पेक्ट थी, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती की, तो मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया।
हे गाइस, सो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। काफ़ी टाइम बाद हम किसी इवेंट में आए हैं काशिफ में, और अजान भी हमारे साथ है, तो ये बड़ा स्पेशल डे है हमारे लिए। एंड वैसे भी मेरे हस्बैंड के बहुत कम फ्रेंड्स हैं, तो और जो भी हैं वो बहुत ही अच्छे सच्चे, तो वो वाला सीन है उनका। कम दोस्त बनाते हैं पर अच्छे दोस्त बनाते हैं, निभाते हैं दिल से, तो वो वाली सीन है यार। और हम ये नहीं सीख पाते हैं, पता नहीं क्यों। आई होप के आई विश के एक दिन हम भी सीखें। तो बस यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और बड़ा डिसेंट सा तैयार होके गई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी मैं अपने आप को। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना प्यारी लग रही हूँ या नहीं लग रही। वैसे तो लग रही हूँ यार। एंड बस मैं यहाँ पे सब देख रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये अजान साहब काशिफ के साथ खड़े हुए थे, माशाल्लाह से अब तो ये अच्छे से चल फिर लेते हैं, मज़े कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपने बाबा के साथ ही रहते हैं ये। तो गाइज़ आज हम लोग आए हुए हैं काशिफ के फ्रेंड के ब्रदर की बर्थडे में, मतलब उनके बच्चों की बर्थडे में। एंड दिस इज़ अ वेरी क्यूट गुडी बैग एंड आई जस्ट लव इट। खाना बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार है जो कि हम खा चुके हैं। मीठे मीठा भी बहुत अच्छा है, वैरायटी बहुत सारी है। सो अजान ये रहे और काशिफ हमारे साथ हैं, बहुत इन्जॉय किया हमने। तो काशिफ के बहुत कम दोस्त हैं और उनमें से एक ये हैं भाभी, माशाल्लाह। ये आप जितना रख दें, तीन हो गए, ये आप अपने बच्चे को दे दें। ये देखें गाइस, भाभी भी एक और ला कर दिया है हमको। अब हमारे पास तीन हो गए हैं। काश हमारे पास कोई बड़ा बैग होता, हम इसे छुपा सकते। प्रॉपर ब्लॉग तो मैं नहीं बना पाई, लेकिन अभी खाना शाना खा लिया है, बहुत 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 इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया। एंड आपने किया था शिफ्ट? कब से खाए जा रहे हैं, माशाल्लाह खाना ही नहीं ख़त्म हो रहा। हेलो कटू, एजी अजान की तो मौजा लगी हुई है भैया। अजान तो बिल्कुल अभी काबिस काबी क्या बोलते हैं, काबू से बाहर हुए हैं। अजानू, अजानू को नज़र लग जाती है ना जब डालो है। बहुत बहुत प्यारी आ रही है। सो गाइज, हम लोग गए हुए थे भाई बर्थडे इवेंट में एंड वापस आ चुके हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें। एंड काशी अभी ये लोग मुझे बोलेंगे तुमने हमारा रूम दिखा दिया पहले से, सही है, डांट पड़ जाएगी मुझे। सो गाइज, बहुत ही प्यारा घर डेकोरेट हुआ है, बहुत ही मेहनत से, माशाल्लाह से। तकरीबन कोई समझो एक महीना, कितना काशी कितना दिन लगे हमको, 15 to 20 days लगे। बहुत मेहनत करके हमने इस घर को माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा डेकोरेट किया है। एंड इंशाल्लाह, मुझे इजाज़त नहीं मिल रही है, अगर इजाज़त मिल गई तो आप लोग को टूर ज़रूर कराऊंगी, वादा रहा।